भागलपुर नगर निगम में गुलाबी ठंड के बीच सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। नगर निगम के महापौर के कार्यशैली से नाराज पार्षदों के गुट के द्वारा मेयर सीमा शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर महापौर और प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना को ज्ञापन सौंपा गया। सभी पार्षद नगर निगम के हॉल में जमा हुए। उसके बाद सभी पार्षदों ने एक मत होकर महापौर के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सही तरीके से विकास कार्य नहीं करने और पार्षदों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात कही। वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक एकत्र हुए पार्षदों के दल ने सबसे पहले महापौर कार्यालय पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा, जहां महापौर के गैर मौजूदगी में मौजूद कार्यालय के कर्मचारी ने ज्ञापन प्राप्त किया। उसके बाद सभी पार्षद प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी गैर मौजूदगी में कार्यालय कर्मी ने पार्षदों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को रिसीव किया। अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन देने के बाद वापस लौटे पार्षदों ने कहा कि महापौर की हठधर्मिता के कारण पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है, जिसका खामियाजा शहर से लेकर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही महापौर के द्वारा पार्षदों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज हम लोगों ने महापौर और कमिश्नर के पास महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा है। अभी आवेदन पर 22 पार्षदों का हस्ताक्षर हुआ है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हम सभी कम से कम 40 का आंकड़ा प्राप्त करेंगे। वहीं 2 वर्ष में तीसरी बार महापौर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव क्या अविश्वास पर कायम रहेगा या फिर पार्षदों का अविश्वास विश्वास में बदल जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर की खास रिपोर्ट। हम लोग इस अन्याय के विरोध में और नगर निगम में पार्षदों के सम्मान नहीं मिलता है। 4.5 साल बीतने जा रहा, नगर निगम में आधा से अधिक महिला पार्षद है, उसको बैठने की जगह नहीं है और मेयर अपने चैम्बर का बार बार कुछ न कुछ चैम्बर का प्रगति करते रहता है। पार्षद की चिंता नहीं है, विकास नगण्य है और कमीशन का घर अड्डा बना हुआ है। जिस टेबल पर जाइए बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। ये सब अन्याय के विरोध में हम लोग इस बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और इस बार लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव मजबूती के साथ रहेगा और इसको इस बार हटा। कितने समर्थन में कितने लोग हैं फिलहाल? हम लोग 21 से 22 पार्षद हैं। जब अविश्वास पर चर्चा होगी तो 35 से 40 पार्षद होगा, इसमें कहीं कोई क्या किए आज क्या किए? अभी संख्या कम क्यों है? अभी इसलिए कम है कि अविश्वास प्रस्ताव मात्र हम लोग 17 पार्षद के दस्तखत से लगा सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग 21 से 22 पार्षद जुटाए हैं और सभी पार्षदों का आज क्या किए हम लोगों को मौन स्वीकृति है कि जिस दिन अविश्वास पर चर्चा होगी हम आपके साथ। हर बार जो पार्षद को बाहर लेके चले जाते हैं, क्या इस बार भी योजना है? इस बार कोई पार्षद बाहर नहीं जाएगा, सब अपने अपने वार्ड में रहेगा और इस भ्रष्टाचारियों को हटाने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर आप बिजली उपभोक्ता है, आपके पास 2 माह से अधिक का बिजली बिल बकाया है तो आपकी बिजली काटी जा सकती है। ये जानकारी भागलपुर के शहरी क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने दी। संजीव कुमार ने बताया कि बिजली विभाग अब काफी कड़ाई से बिल की वसूली कर रहा है और अधिक समय तक बिल का बकाया रखने वाले उपभोक्ता जल्द से जल्द बिल जमा कर दे, नहीं तो उन लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ता डायरेक्ट कार्यालय आकर या फिर ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही मीटर रीडिंग के लिए जो कर्मचारी आते हैं उन्हें भी आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। जिनके यहाँ भी बकाया है 2 महीना से ज़्यादा, जिनके यहाँ भी बकाया है वो सारे लोग बिजली का भुगतान करें। भुगतान के लिए हमारे पास बिजली सुविधा काउंटर है, एक मुजाहिदपुर में, तिलका माझी में, नाथनगर में, सुल्तानगंज में। उसके अलावा आदमी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा घर घर जो मीटर रीडर जाता है वो ई वॉलेट से भी पेमेंट लेता है, तो उसके मोबाइल पर मीटर रीडर को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये कंज्यूमर को सुविधा घर पर भी है कि घर से पेमेंट मीटर रीडर को दे दे, जिसमें बिल देता है उसी समय दे दे। कोई अगर बकाया, जिनका भी बकाया रहेगा 2 महीना से ऊपर, उन सबकी बिजली काटी जाएगी। अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपना बिजली बिल का भुगतान जल्द से जल्द कर दें। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन में पॉक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश MP सिंह ने छिड़खानी व अस्मत लूटने के प्रयास के मामले में शिवनारायणपुर के चंदन और छोटू को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 महीने सजा बढ़ा दी जाएगी। वहीं पीड़िता को 40,000 रुपये की सहायता सरकार की तरफ से दी जाने की बात कही गई है।
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि घटना 2 अगस्त 2015 की है। सिमरनपुर थाना क्षेत्र स्थित एक छात्रा के घर में घुसकर दोनों आरोपियों ने अकेला पाकर उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की थी। उस मामले में डॉक्टर समेत 6 गवाह गुजरे थे, सभी ने घटना की पुष्टि की है। घर में अकेला देखकर छेड़छाड़ किया, मारपीट किया, गलौज किया और उसका हाथ पकड़ के खींचना चाहा और उसको माने पूरी तरह से बेइज्जत करना चाहा। इसमें जो है टोटल जो है 6 गवाह जो है एग्जामिन हुआ, 6 गवाह जो था जितना था सपोर्ट सब के 5 सारा सपोर्ट किया। और ये घटना था तो 2/8/15 के दिन के 10 का था। इसमें जो है इसमें जो सजा आज हुआ 4 का सजा हुआ और वो जो आर्थिक दंड हुआ 10,000 रुपया, 10,000 रुपया नहीं देने पर जो है 3 का सजा होगा और 40,000 रुपया जो है इसको कंपनसेशन मिला मैंने पीड़िता को। कौन थाना? ये शिव नारायणपुर थाना का है जिसका कांड संख्या 313/15। भोलसर पश्चिम टोला में पीएचडी विभाग ने बोरिंग करना शुरू कर दिया है, इससे आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल है। बता दें 2018 से ही पीएचडी विभाग द्वारा पश्चिम टोला में बोरिंग किया जा रहा है, लेकिन 3 बीतने के बाद भी बोरिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा। अंत में स्थानीय विधायक पवन यादव के संज्ञान में मामला आया। उन्होंने हाल में ही वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने को लेकर विधानसभा प्रश्नावली में मामले को अंकित कराया, जिसका असर हुआ और विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। बता दें भोलसर और एकचारी दोनों पंचायत में पीएचडी विभाग द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत बोरिंग कराया जा रहा है। दोनों में काम 2018 में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब काम शुरू हुआ है, लोगों को उम्मीद है कि 2022 तक वो पानी पी सकेंगे। भागलपुर के स्टेशन चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरफ्तारी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय की जांच विजिलेंस टीम के द्वारा कराई जाए, TMBU में कापी घोटाला मामले की त्वरित जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संजय झा ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में कुलपति ने घोटाला किया है, उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। TMBU में कॉपी खरीद बिक्री में घोटाला हुआ है, राजभवन भी इस मामले में संलिप्त है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय इस मामले पर संज्ञान ले और कठोर कार्रवाई करें। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के प्रखंड संसाधन केंद्र जगदीशपुर विश्व दिव्यांगता दिवस 2021 में प्रखंड स्तरीय खेलकूद, चित्रकला व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रखंड संसाधन केंद्र जगदीशपुर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच खेलकूद तथा चित्रांकन प्रतियोगिता मध्य विद्यालय जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों ने दीप प्रज्वलित कर किया। चयनित बच्चे विश्व दिव्यांगता दिवस पर 3 दिसंबर 2021 को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रेमलता, शिवम, कंचन, गौरी, लकी, सोनी और चुन्नी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। इस अवसर पर लेखापाल राहुल कुमार, BRP कुमारी रूपा, संसाधन शिक्षक गोविंद कुमार यादव, फूल कुमारी, सपना कुमारी, KRP शंकर पासवान, राज किशोर, बाबूलाल तथा मध्य विद्यालय जगदीशपुर के बाल संसद सदस्य तनिषा, कीर्ति, श्रेया शिवानी उपस्थित रहे।